गुड मॉर्निंग, आई एम आशीष सक्सेना एंड वेलकम टू टेड पॉइंट। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक हिंदी के हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन विदाउट लॉस योर टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मृगावती। मृगावती ये रचना किसकी है? तो मृगावती रचना है कुतुबवन की। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी कवि। राष्ट्रवादी कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। और राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है इसका नाम था उर्वशी, और इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1972। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना थी उर्वशी और इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1972। नेक्स्ट, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ ये लिखा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तदीस समाज की स्थापना किसने की? तदीस समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। मधुलिका, मधुलिका किसने लिखा, किसकी कहानी है? या मधुलिका एक कहानी है, पुरस्कार, पुरस्कार कहानी में मधुलिका है, तो पुरस्कार कहानी में जो मधुलिका है ये पात्र किसने बताया? तो इसको बताया जयशंकर प्रसाद ने। आधे अधूरे नाटक, आधे अधूरे नाटक इसकी रचना की मोहन राकेश। अंधा कुआ नाटक, अंधा कुआ नाटक लिखा लक्ष्मी नारायण लाल ने। साकेत, जयदत्त व्रत, यशोधरा ये लिखा मैथिली शरण गुप्त ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये कब हुआ? 1910। काशी नागरी प्रशासनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1893। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इसकी स्थापना हुई 1918। अब देखिए कुछ समास है, आप बीती, तो आप बीती में जो समास है ये है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। कनुप्रिया, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार है धर्मवीर भारती। रेजु का विलोम क्या होगा? रेजु का विलोम होगा चक्र। बर्दंट की पंगति, कुदंकली अधराधर पल्लव ये रचना है तुलसीदास की। दंतव्य वर्ण क्या है? ये दंतव्य है और भी आते हैं, तो दंतव्य वर्ण है सा। रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए यहाँ पे जो अलंकार है वो क्या है? श्लेष है। मिट्टी का माधो का अर्थ बहुत ही मूर्ख। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या हुआ? उत्धन विघ्न। बीती विभावरी जागरी इसमें जो अलंकार होगा ये होगा रूपक। बिन घनश्याम धाम धाम, देखिए धाम और धाम दोनों का अलग अलग मीन्स हो रहा है, तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो होगा श्लेष। मुनि क्या है? एक वचन और बहुवचन दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, सिर पर सवार होना या सिर पर सवार रहना, इसका मीन्स क्या होगा? पीछे पड़ना, कहते सिर पर सवार हो गया, पीछे पड़ गया। बाण का पर्यायवाची क्या है? सिलीमुख, बिसिक, आसुग। अयोग भाय किसे कहा जाता है? अयोग भाय में क्या होता? विसर्ग होता, विसर्ग को अयोग भाय कहा जाता है। श्याम गोर किमी कहा बरसानी, इसमें जो भाव से हो रहा मधुर भाव है, और इसको लिखा किसने? तुलसीदास ने। मेरी भव बाधो हरो राधा नागरी हो,
तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी शोय, यहाँ पे जो अलंकार है ये होगा श्लेष। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इसे इलाहाबाद के पथ पर, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। गांधी जी ने मैत्री शरण गुप्त को कौन सी उपाधि दी, गांधी जी ने मैत्री शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। रसक रंजन, रसक रंजन ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के नवजीवन के संपादक कौन थे, तो नवजीवन के संपादक थे गांधी जी। ठेठ हिंदी का ठाट के लेखक, तो ठेठ हिंदी के ठाट के लेखक है अयोध्या सिंह हरिओद। साकेत, साकेत में क्या बताया, आधुनिक काल का राम काव्य कहा गया। प्रेमचंद, प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा। कालिदास की अभियान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया, राजा लक्ष्मण सिंह। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। अष्ट छाप कवि कौन कौन से हैं, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास और भी है, यहाँ पे हम आपको सिर्फ तीन ही बता रहे हैं। ओके ओके, तो जो अब आता है इसमें आचरण की सभ्यता, तो आचरण की सभ्यता दिया सरदार पूर्ण सिंह ने। भूषण किस काल के कवि थे, भूषण थे रीति काल के। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे, खुसरो। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभाय। निबंध लेखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अश्व का पर्यावाची कौन सा है, घोड़ा, हाय, बाजी, तुरंग, सैंधव, घोटक और रविसुत, ये सभी पर्यावाची है अश्व के। आदिकाल के कवि कौन है, चंद्रबरदाई, बीसल देव रासो। इन्होंने जो लिखा है बीसल देव रासो, नरपति नाल, हमीर रासो, सारंगधर, खुमार रासो, दलपति विजय। तो यहाँ पर ध्यान रखिए चंद्रबरदाई है, नरपति है, सारंगधर है और दलपति है। और दोहा कोश लिखा सरहपा। भक्ति काल में क्या क्या था, इसमें आते हैं मालिक मोहम्मद जायसी, और जायसी जी ने जो लिखा है पद्मावत, अखरावट, चित्र लिखा और आखिरी कलाम। मीराबाई ये भी भक्ति काल में आते हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका। रीति काल में आते केशवदास, केशवदास ने क्या लिखा, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर। ओके, जयचंद्रिका, कवि प्रिया, नरव और सिख वर्णन। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाले को क्या बोलते हैं, मर्मज्ञ बोलते हैं। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरबन गहन, यहाँ पे क्या है, दोहा है कि सोरठा है, तो यहाँ पे आएगा सोरठा। वर्ण के उस समय को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, शब्द। हिंदी प्रदीप कहाँ से लिया गया, प्रयागराज से, और इसका संपादन किसने किया था, बाल कृष्ण भट्ट। अंधा कुआ के लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1943, 1943। द्वितीय का कब हुआ, 1951। तृतीय का कब हुआ, 1959। और चतुर्थ का कब हुआ, चौथे का, 1979। और जो तार सप्तक है इसका संपादक किया था अग्गे जी ने। नवल सुंदर श्याम सईद, पीपर पात सरित मन पेला। तो यहाँ पे क्या, नवल सुंदर श्याम शरीर, यहाँ पे जो अलंकार हुआ ये होगा उपमा। सबसे पहले क्या होता, बालकांड, इसके बाद अयोध्या, इसके बाद सुंदर, और लास्ट में क्या, लंका कांड। तो एक सीक्वेंस दिया गया, डिफरेंट
बालकांड और भी है इत्यादि, इसमें आदत है। तो आदित आस्ते में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यहाँ पर संधि है यड़ संधि। नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। उन्मून का विलोम क्या होगा? रोपण। कालिंदी पर्यावाची है यमुना का। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किस में दिखाई पड़ती है? सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में। इदन्नम की रचना किसने की? मैत्री पुष्पा ने। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग स्टडी कीजिए, तैयारी करते रहिए एंड विदाउट वेस्ट योर टाइम। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।